पल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। हाँ जी, राम राम दोस्तों, मैं अभिषेक भारद्वाज एक बार दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जी के भाई अभिषेक भारद्वाज में। तो आज का हमारा अगला टॉपिक है भाई फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो इससे जुड़े क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो उसकी बात करते हैं, चलो, यहीं दक्षिणी पूर्वी भाग में हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसके बाद स्थापना की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 2 अगस्त 1979 को हुई। साक्षरता दर 81.70% साक्षरता दर है। यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले से लगता है। हरियाणा का सबसे कम शहर वाला जिला यही है, उसके अंतर्गत 3 शहर पड़ते हैं। इसके बाद विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो फरीदाबाद, बड़गल, बल्लभगढ़ तथा तीगांव, ये इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं भाई, फरीदाबाद NH2 पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं भाई, राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्था, ये भी फरीदाबाद में है। मोर सिंह स्टेडियम या फरीदाबाद में सिर्फ इसमें 25,000 दर्शक बैठ सकते हैं। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम, ये भी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद का अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा का पहला परमिट प्राप्त टूरिस्ट केंद्र है। विश्वविद्यालय हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, लिंगिया विश्वविद्यालय है, पाली ध्वज अल्फा यूनिवर्सिटी है जो मुसलमानों के लिए है। बल्लभगढ़ का नया नाम जो रखा गया है वो है बलरामगढ़, यहाँ पर JCB की फैक्ट्री है। इसके बाद पर्यटक स्थलों की बात करें तो अरावली का गोल्फ मैदान है, मयूर झील है, ध्वज की झील है, बाबा फरीद की गुम्बद है, मुगल ब्रिज है, ये सभी फरीदाबाद में हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, JCB का निर्माण बल्लभगढ़ में होता है। गुडवियर जो कंपनी है टायर की वो भी बल्लभगढ़ में है। इसके बाद प्रमुख मेलों की बात करते हैं तो दिगंबर जैन मंदिर, झरना मंदिर, बाबा उदासनाथ मेला, फुलडोर का मेला, कीर्ति सांस्कृतिक मेला, कान्हा गौशाला मेला और सती का मेला भंडल में लगता है। इसके बाद तीगांव है जो उसको शहीदों का गांव भी कहा जाता है। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति की बात करी जाए तो भाई सूरदास थे, जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि रह चुके हैं, वो भी यहीं से थे, सीही गांव उनका माना जाता है। इसके बाद सोनू निगम जो कि गायक हैं वो भी फरीदाबाद से हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिकेटर भी फरीदाबाद से हैं पूरे हरियाणा में। यहाँ से प्रमुख हैं अजय रात्रा, मोहित शर्मा, विजय यादव और अजीत चंदेला, ये प्रमुख क्रिकेटर हैं जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। तो भाई आज के लिए हमारे पास यही अपडेट थी, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें। और भाई अगर किसी और टॉपिक और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अपनी सोशल साइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आकर फॉलो कर लो, वहाँ भी हम ऐसी पोस्टें डालते रहते हैं करंट अफेयर वगैरह की। तो जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भाईचारा।